ब्रह्मास्त्र, बीफ और बायकॉट, ये तीन शब्द फिलहाल आपस में जुड़ गए हैं। रणबीर, आलिया, अयान मुखर्जी और ब्रह्मास्त्र मूवी से जुड़े लोग उज्जैन पहुंचे महाकाल के दर्शन के लिए, लेकिन रणबीर और आलिया दर्शन नहीं कर पाए, उन्हें वापस लौटना पड़ा। कारण था बजरंग दल का एक प्रोटेस्ट, जिसके कारण सिक्योरिटी की समस्या खड़ी हो गई। बजरंग दल के लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है, हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे। उसको मीडिया चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे दो बच्चे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं आने देंगे। रीसेंट पास्ट में बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों का बायकॉट हुआ है, मुख्य कारण रहा है इस्लामोफोबिया या फिर कट्टरवाद। ब्रह्मास्त्र के बायकॉट के मांग के पीछे जो मेजर कारण दिखता है वो है रणबीर कपूर का बीफ खाना। इससे पहले ऋषि कपूर ने भी बीफ का समर्थन किया था, जो रणबीर कपूर के पिता थे। सड़क पर ये सब होने के बाद मजहबी नफरत को आधार बनाकर चलने वाले सुदर्शन न्यूज के पत्रकार ने भी इस मुद्दे को खूब उछाला। डंके की चोट पर कहते हैं किसी भी बीफ खाने वाले व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, चाहे रणबीर और आलिया ही क्यों ना हो, आप बरसाइए लाठी ऐसे ही हिंदुओं पर। ये ट्वीट है सुदर्शन न्यूज के उस पत्रकार का। कुछ तथ्य आपको जानने जरूरी हैं और खुद को पत्रकार समझने वाले नफरती चिंटुओं को। 2015 में एनएसएसओ के आंकड़े के मुताबिक इस देश में 12.5 मिलियन हिंदू बीफ खाते थे। मोदी शासन में भारत बीफ निर्यात में पहले नंबर पर पहुंचा। सावरकर बीफ खाने को लेकर कोई प्रतिकूल भाव नहीं रखते थे। बीजेपी के नेता संगीत सोन 2005 से लेकर 8 तक बीफ एक्सपोर्टर कंपनी अल दुआ के निदेशक थे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल जमीन में निवेश किया था। बीजेपी के कई नेता कई बार बीफ का समर्थन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार गौशालाओं में गायों की मौत हो रही है, कुपोषण के कारण, कुप्रबंधन के कारण, प्रशासनिक लापरवाही के कारण। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश में गायों की मौत की होती है तो मामला अफसरों के सर पर डाल दिया जाता है, सत्ता से सवाल नहीं होते। दूसरी बात, बीफ खाने के कारण ही बायकॉट कर रहे हैं तो सवाल सरकार से पूछिए, आंकड़ों पर बात करिए, जागरूकता अभियान चलाइए। और तीसरी बात, आपको संगठित तौर पर किसी के खाने की चॉइस के आधार पर हिंसक होने का अधिकार किसने दे दिया? संविधान तो ऐसा नहीं कहता, देश के नियम तो ऐसा नहीं कहते, आपको यह ठेकेदारी आखिर दी किसने? फूड चॉइस का मसला है, जिसको जो पसंद वो खाता है, जो संविधान के और जो कानून के दायरे में आता हो। लेकिन फूड चॉइस के कारण कट्टरवाद ओढ़े हुए लोगों के द्वारा किसी पर्टिकुलर फिल्म का या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध, उसका बायकॉट पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक है। और अगर कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन करता है तो कुछ भी हो सकता है, पत्रकार नहीं। अगर वो अपने आप को पत्रकार कहता है और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहता है तो वो पत्रकारिता के लिए शर्मनाक है, शर्मिंदगी का विषय। आप देखते रहिए मॉडल।